शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। डरने की जरूरत नहीं है, हमने जो करना था ना वो कर दिया। जब मैं नहीं डरता हूँ तो तू क्यों डरती है? और देख, मेरे को नसीहत देने की कोशिश मत कर। ज्यादा पैसा कमाने की भूख तूने मुझ में बढ़ाई है। मुझे इसमें जितना भी पैसा कमाया आधे से ज्यादा तो तूने उड़ा दिया। शॉपिंग ये लाओ वो लाओ वो करो, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश, पूरी ना होने पर मुंह लटकाए मेरी जान खाती रहती है। पैसा उड़ाते टाइम कभी ये सोचा तूने कि मैं पैसा कहाँ से और कैसे लेके आता हूँ? भैया लो आ गया। What a surprise! आप तो कल आने वाले थे। तुम्हें अगर इंतजार करवा के मैं कल आता तो तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी है वो कैसे देख पाता। तुम्हें सरप्राइज देने का मजा ही कुछ और है। लेकिन भैया आपका बैग बहुत हैवी लग रहा है, इसमें क्या क्या है बताए ना भैया? अभी दिखाता हूँ। अरे वो यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं आया, ट्रेनिंग उसकी पूरी हो चुकी है, ड्यूटी ज्वाइन करते ही वो अपना ठिकाना बना लेगा, समझी तुम? लेकिन जब तक वो यहाँ रहता है प्लीज तेजी तुम कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना, समझी तुम? वाओ व्हाट अ ड्रेस! अरे वाह, ये तो वैसी ड्रेस है जैसे हम लोग ने शॉपर स्टॉप में देखी थी और महंगी होने की वजह से हम लोग खरीद नहीं पाए। आई रिमेम्बर। हाँ हाँ वही है ये। भैया मैं अभी पहन लूँ? अरे अभी सुबह पहन ले तू। अभी क्यों, छोड़। आपको ये ड्रेस अब तक याद थी? अरे मेरी बहन अपनी किसी पसंद पर उंगली रखे और मैं उसे भूल जाऊँ, ये हो सकता है? अच्छा भैया ये बताइए, आपकी ट्रेनिंग के बारे में घर में जो हल्ला हो रहा है उसी का भी कहे नहीं? तू तू मेरी बात छोड़, अपनी बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, एकदम बिंदास। बहुत भूख लगती है और बहुत नींद आती है, इसलिए मैं बहुत खाती हूँ और बहुत सोती हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितनी खुश हो। सब ठीक हो जाएगा। इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनेगा। मेहमानों को खुश रखना है तो नौकर रख लो, नौकर। तेजी विजय इस घर में मेहमान नहीं है, वो हमेशा यहाँ रहने नहीं आया, कुछ ही दिनों की बात है, घर में शांति रखो। सॉरी मुझे जरा देर हो गई, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, मुझे एक दो फोन करने थे। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? जी अच्छी रही, अगले महीने पोस्टिंग हो जाएगी शायद इसी शहर में। शायद शायद क्यों? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी पोस्टिंग हमेशा के लिए यहाँ कर लेना चाहते हो? देखिए भैया अपनी पोस्टिंग जहाँ भी चाहे ये उनकी मर्जी है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? क्यों नहीं प्रॉब्लम है? तुम दोनों ने मुझे प्रॉब्लम देने की कसम जो खा रखी है। देखिए इन्हें मुझे जो कहना है ये कह सकती है, लेकिन मैं भैया के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू चुप कर, हर बात पे टांग अड़ाना जरूरी है? आखिर मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आपके होने या नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप, मुझे मालूम है। अगर आप कर सकते ना तो इन्होंने जो भैया के दिल को दुखाने के लिए बात कही है आप उसका जवाब देते, मैं नहीं, आप। सुन, अरे मेरी बात तो सुन। ओहो, तुम्हें उनकी बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, चुपचाप खाना खा लेती और फिर लड़ती, फिर तो मैं भी तुम्हारा साथ देता। मैं भूखे पेट नहीं लड़ सकता। देख देख तू रोया मत कर, तेरी शक्ल बिगड़ जाती है। और देख अब सब ठीक हो जाएगा, पोस्टिंग के बाद कंपनी की तरफ से मुझे घर भी मिल जाएगा और फिर मैं तुम्हें यहां से हमेशा के लिए निकालूंगा, हमेशा के लिए, और फिर एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी भी करा दूंगा। तुम्हें भरोसा है ना अपने भाई पर? हाँ अब मुस्कुरा दे एक बार। और देख जब तक हमारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ कल मुझे अपने एमडी से मिलने जाना है 11 बजे। हाँ भैया कल आपका बर्थडे भी है ना, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? मेरे पास मेरी बहन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो आपको गिफ्ट दूंगी। अरे ओके बाबा ओके। विकास जी, ओ विकास जी, क्या है? आपने मेरा पर्स देखा? नहीं नहीं देखा। सुबह से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। इस घर में कोई भी चीज जहाँ भी रखो मिलती नहीं है। निक्की कहाँ हो तुम? बाबा निक्की, मेरा पर्स नहीं मिल रहा मुझे। ये भैया के लिए ठीक रहेगी। अंकल ये 200 रुपए के है ना? किरण बेटी,
ये दूध 505 वाले के दही दिए हो हाँ। जरूर अंकल जरूर। हेलो, वो जयंती ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है। मैं खुद ही रख देती हूँ। आउच! बस चला गया। ये क्या किया? मैंने तुम्हारे दूध के पैकेट इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो गंदे हो जाएंगे। तुमने तो मेरी शक्ल ही गंदी कर दी। बाथरूम कहाँ है? कितना हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? ए जी, तू अंदर जा। मेरी बीवी ने मेरे को भड़काया। देता हूँ, ये लो तुम्हारा माल, ये लो, मैं तुम्हारा वफादार साथी हूँ, ये लो तुम्हारा माल।